नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं गोरखपुर। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने एक को दिन दहाड़े दौड़ाकर गोलियों से भुना। एसपी दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन में 2 मिनट का मौन रखकर दी गई राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के रूप में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखकर मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि। माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। हाईटेक हुई ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है ई चालान। जिला महिला अस्पताल के 100 शय्या मात एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में शुरू हुई अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया। अब 100 प्रसूताओं के प्रतिदिन होंगे अल्ट्रासाउंड। सरस्वती विद्या मंदिर पीजी कॉलेज में आर्गोनॉमिक्स विषय पर आयोजित हुई व्याख्यान माला। होम साइंस की छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अतिथियों ने किया अवलोकन। अपनी 22 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने दिया 1 दिवसीय धरना। 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। पुरस्कार पाकर विजेताओं के खिले चेहरे। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भी हुआ शुभारंभ। उद्घाटन मैच लक्ष्य एकेडमी ने जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 31 जनवरी को 11:45 पर जनपद में आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री 11:45 से रात्रि 9 बजे तक समय आरक्षित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करने के उपरांत 1 फरवरी को 9:10 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जानकारी प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल ने दी। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत भरवल गांव के बुधवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने दौड़ाकर संत कुमार को गोलियों से भून दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में सनसनी फैल गई। पेट, सर और कंधे में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक संत कुमार की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर एसपी दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह, बेलीपार पुलिस फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। इस संबंध में एसपी दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुबह भरवल गांव में संत कुमार निषाद को गांव के ही दिनेश निषाद ने पुरानी जमीन विवाद चल रहा था, जिसके कारण दिनेश निषाद ने संत कुमार निषाद को गोली मार दी, जिसको हॉस्पिटल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दिनेश निषाद पर थाना कैंट में 2016 में भी गोलियां मारकर हत्या करने का प्रयास में मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मृतक संत कुमार निषाद के पुत्र मंजेश निषाद, क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह और एसपी दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ससुराल कहाँ पे इसके? इसके घर वाले का नाम क्या था? मेरा बुआ का नाम है। अपन के नाम मालूम है? दूसरा ही है। दूसरी शादी किया है? हाँ, दूसरा शादी किया है। आओ जाने से जल्दी दौरे क्या नाम है? मेरा जाने है। उसका सब्जी का मेरे सब पर बुढ़िया है। वो लोग पूछे कल को पानी ना जाती है। अरे हमारे पास 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 अरे हमारे पास
खा सिकंदर जाओ ना खड़ा रहो यही रहो जब तक कोई कहेगा नहीं हटना मत यार कोई आया है आप इस समय वर्तमान में बम्बई या बंगलोर कोई है? बम्बई में नहीं कोई है, बंगलोर में हमारे छोटे आपके छोटे भाई हैं बंगलोर रहते हैं। मेरे पापा को ये फायरिंग का पिताजी को दीवार नहीं कैंट में एक बार और हमला हुआ था कैंट थाने में ललाटपुर में। अच्छा 307 लिखा गया था किसके खिलाफ लिखा गया था? दिनेश। अच्छा जो मारने के लिए लौड़ाए तीन लोग वो लोग तो दो तीनों आदमी जो थे उन लोग एक दो आदमी को मैं पहचानता हूँ एक सुंदरम नाम का लड़का है और एक दिनेश हम उनको देख नहीं पाते चले जाए जब दोबारा बाइक से था शायद हम देखे नहीं लेकिन जब वो गिर गए मेरा एक ही गेट खुला था गेट खुला था सर कैसे उसको दौड़ा छिपने के लिए यहाँ आ गए तो गेट ए भी खुला था ए भी खुला था तब जैसे हम वहाँ से जब जैसे वो चिल्लाने लगे तो हम गिर गए थे यहाँ पे जब तक हम यहाँ आए थे वहाँ तक था आए हम एक ही आदमी को देखते तो हम कहते अरे बाबू तब हम एक ही ऐसे ही दरवाजा बंद कर देंगे लेकिन हम देख नहीं पूरी तरह देखे हमने तीन आवाज़ें बता की तीन आवाज़ें दिखाई दे वो कौन सा? अरे हम नहीं देखे पहचान नहीं पाए नहीं पहचान पाए हम जिसे हड़बड़ा गए हम किचन से जब तक हम यहाँ आए हम उसको भी नहीं देख पाए यहाँ वो कहां गिरी थी बाटू कहां पड़ी थी जैसे आपका पैर जहां था वहां सर था पैर यहां था सर यहां था पैर ये फर्क हो रहा है क्या हुआ है ये गोली लगी नहीं ये गोली लगी नहीं या तो दौड़ते से वो फायर किए हैं बॉडी में नहीं ये वाली लगी है कुछ रहा मंजस नाम है मेरा मेरे पिताजी थे वो पिताजी सुबह सुबह बागीचे में गए थे बागीचे में से फिर वो टहल रहे थे टहलते टहलते गए थे बाद में उधर सड़क के पार में वो बैठे थे वहाँ पे भी दो तीन लोग बैठे थे बाद में कुछ बदमाश थे वो दिनेश था बाद में ये लोग आराम से बैठे थे बाद में इन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो क्यों हमारी तरफ बढ़ रहा है बाद में वो बढ़ते बढ़ते फिर वो दौड़ना स्टार्ट किया बाद में पिताजी को दौड़ा के वो गोली मार के उनको घर में पहुंचने के बाद डायरेक्ट उनके घर गिर गए गिरने के बाद वो गोली मार दिया बाद में उनका डेड हो गया। ये आज सुबह करीब 8 बजे के लगभग
ये सूचना हुई कि एक गोली का प्रकरण भरवलिया गांव में बेलीपार थाना के अंतर्गत हुआ है। इसमें संत कुमार निषाद जो हैं इनको दिनेश निषाद ने ऐसी सूचना पे था कि गोली मार दी है और उसके साथी लोग थे। इस सूचना पे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घायल की स्थिति क्या है? अभी वो उनको मृत घोषित कर दिया गया है और अन्य जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो की जाएंगी। ये एक गांव भरवलिया है, वहाँ पे सुबह 8 बजे करीब संत कुमार निषाद हैं उनकी, उनको गोली मारा था एक दिनेश उसी के गांव का है, जिससे उनको हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। बताया जा रहा है जब गांव पे हम लोग पहुँचे थे तो उस समय ये बताया गया कि इनका पहले से एक भूमि विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से, और इस दिनेश ने इस पर एक थाना कैंट में मुकदमा लिखा हुआ है 2016 का। उसने यहाँ पे उनको गोली मारने का मार के हत्या करने का प्रयास किया था। इसकी जांच की जा रही है, अगर पहले से दिया गया है तो उसको देख के उसे जो उस पर दोषी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लास्ट ईयर नवंबर में एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें वो चार्जशीट लगी थी और ये दिनेश जो है वो सरेंडर हुआ था। संत के ऊपर कुछ हमले हुए थे आपने? हाँ, 2016 में जो थाना कैंट में मुकदमा लिखा गया था 307 का मुकदमा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया और उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके तहत जिलाधिकारी कार्यालय पर सायरन बजाकर व 2 मिनट का मौन रखकर एडीएम वित्त विधान जायसवाल, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह आदि व कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस ऑफिस के समक्ष भी पुलिस कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर और गोरखपुर रिजर्व पुलिस लाइन में एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के नेतृत्व में आरक्षियों ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान पुलिस लाइन के RI उमेश दुबे, दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और आरक्षी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा।
के ना। हाँ आप सर, आप धीरे से दो वहाँ पे सीखे, क्योंकि आप नए हो और जितना मौका मिल रहा है सीखने का, चाहे मुंशी हो या आपके इंस्पेक्टर साहब हो, दरोगा हो, बाकी जो भी एसआई हो, तो सभी लोग अच्छे से सीख लीजिए काम को। हर एक की एक खूबी होती है, कोई मुंशी के काम में बहुत अच्छा बनता है बाद में जाके, कोई बीट में अच्छा हो जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन में अच्छा हो जाता है। तो जो भी क्षेत्र आपको पसंद है वो एक पकड़ लो, उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करो, बाकी भी चीजें होती है सीखने लायक। और कुछ लोग ट्रैफिक में भी जा रहे हैं। पिता महात्मा गांधी को के स्मरण में आज 30 जनवरी को एक उनके स्मरण में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। तो जो भी हमारे यहाँ पे जो नए रिक्रूट्स आए हैं, जो अभी जिनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है रेगुलर, इसमें वो सारे लोगों के साथ आज 2 मिनट का मौन रखा गया था। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रेरी की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया। टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दिया। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रेरी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक विचारधारा थे। देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सबसे अहम भूमिका रही है। इनके नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। हम ऐसे हैं सत्य और अहिंसा के सच्चे पुजारी को आजीवन याद करते रहेंगे। इनके बताए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं। यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा, गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर द्वारा 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मौन व्रत कर रख कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज फिर देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें बहुत तेज़ी से पनप रही हैं जो लोगों को जात धर्म क्षेत्र और भाषा के नाम पर एक विभेद पैदा करके राजनीतिक सत्ता के लिए एक आपसी मनमुटाव करने का काम कर रही है।
और इन्हीं ताकतों के द्वारा गांधी जी की हत्या भी की गई। लेकिन गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार थे। गांधी एक दर्शन पूरे दुनिया में, जिसको पूरी दुनिया ने माना। यूएनओ ने भी उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। आज भले ही गांधी जी का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब तक ये देश रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, बल्कि हिंदुस्तान में ही नहीं, इस देश की सीमा से आगे पूरे विश्व में गांधी के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और लोगों को प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे। आपस में समाज के अंदर भाईचारा बनाने का काम करेंगे और वास्तविकता लाने का काम करेंगे, यथार्थ को मतलब सार्थक करने का काम करेंगे। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके विचारों पर हम लोग सदैव चलते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, इस देश के अंदर सामाजिक समरसता लाते हुए, आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ाते हुए देश को प्रगति के पथ पे आगे ले जाने का काम करेंगे। एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने बुधवार को चेकिंग अभियान चला के गैर कानूनी तरीके से वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और बिना हेलमेट, रजिस्ट्रेशन पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस के चलने वाले वाहन चालकों पर हाईटेक ऐप के माध्यम से ई चालान किया गया और लोगों को कानूनी तरीके से वाहन चलाने की नसीहत दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया, ऐप से करा रहे हैं क्या? हाँ, ई चालान सिस्टम चालू है। ये चलो इधर सामने आइए भैया। अब चालान की प्रक्रिया ई चालान से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सभी ऑप्शंस हैं। जो पेनल्टी देना चाहे पेनल्टी दे, पेनल्टी नहीं देना चाहता, कुछ दिन बाद पेनल्टी देना चाहता तो भी पेनल्टी दे सकता है वो। ये सब ई चालान के द्वारा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ियों का नंबर जो है वो हमारे डाटाबेस में आ रहा है,
अगर उस गाड़ी से दोबारा फिर चालान होता है या दोबारा फिर कोई यातायात नियमों को उल्लंघन किया जाता है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हम लोग कैंसिल कराएंगे या उस ड्राइवर का जिसका ड्राइविंग लाइसेंस से बार बार चालान हो रहे हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कराएंगे हम लोग। बिल्कुल, अब किसी धोखे में ना रहे हैं कि हमारा चालान कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हमारा एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, पकड़ में नहीं आ रहा है, अब बिल्कुल सावधान हो जाए और उनका हर चालान पकड़ में आएगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। उनकी जानकारी, उनका मोबाइल नंबर फीड किया जा रहा है, वो जरिए SMS उनके मोबाइल में जाएगा। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 शैया मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में प्रसूताओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था शुरू हो गई है। महिलाओं के लिए अच्छी बात यह है कि अब उन्हें घंटों लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में प्रतिदिन कम से कम 100 अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। इससे पहले जिला महिला चिकित्सालय में प्रतिदिन सिर्फ 60 प्रसूताओं के अल्ट्रासाउंड किए जाते थे, जिसके कारण दूर दराज इलाकों से आने वाली महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। प्रसूताओं के अल्ट्रासाउंड के लिए 3 डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। बुधवार को जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में प्रसूताओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था शुरू कर दिया गया है। 3 डॉक्टरों की टीम प्रतिदिन कम से कम 100 अल्ट्रासाउंड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अन्य व्यवस्थाओं को शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बिजली की उचित व्यवस्था न होने के कारण इमरजेंसी सेवा अभी शुरू नहीं किया गया है, बहुत जल्दी उसको भी संचालित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, क्योंकि OPD शुरू करा दी गई है आउटडोर, और अल्ट्रासाउंड की सुविधा वहाँ पे शुरू करा दी गई है, और अल्ट्रासाउंड में भी एक आ गया क्योंकि मशीनें भी बढ़ गई हैं, तो हम कम 100 से कम अल्ट्रासाउंड रोजाना नहीं हो। 3 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, मशीनें भी 4 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होंगे। एक कमरा और बढ़ा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए ताकि नीचे हो जाए, क्योंकि वो जो विंग बनी है उसमें OPD का सिस्टम नहीं था, उसमें केवल इमरजेंसी सिस्टम है। इमरजेंसी सिस्टम के लिए हमें थोड़ी सी बिजली की समस्या आ रही है, बिजली है लेकिन वो कटती रहती है और हमारे पास स्टैंड बाई जनरेटर नहीं है, तो इसकी व्यवस्था हम कोई अल्टरनेट व्यवस्था की तैयारी में है, जैसे ही हो जाता है वैसे ही हम इमरजेंसी भी शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे, पूरी इमरजेंसी यहाँ से वहाँ चली जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे ऑपरेशन के लिए भी हमने बात करी है, कल्चर के लिए मेडिकल कॉलेज से कल्चर के लिए वो ले गए हैं, वो करके देते हैं, जब निगेटिव हो जाएगा तब वो वहाँ पे ऑपरेशन उस ऑपरेशन थिएटर में किए जा सकते हैं, उसके पहले वो ऑपरेशन थिएटर नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ऑपरेशन अभी नहीं शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम उसको जल्दी से जल्दी स्टेप बाई स्टेप शुरू कराने की प्रक्रिया चला रहे हैं। अल्ट्रासाउंड यहाँ से बंद हो चुका है पूरी तरीके से? अल्ट्रासाउंड यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लिया गया क्योंकि अननेसेसरी दो जगह में फिर कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि बहुत सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, तो उसके लिए स्टाफ दो जगह लगाना पड़ता, तो एक ही जगह कर दें, कोई जगह वहाँ जगह की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर डॉक्टर कितने वहाँ पर अभी हैं? 3 डॉक्टर हैं। 3 डॉक्टर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं गोरखपुर। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने एक को दिन दहाड़े दौड़ाकर गोलियों से भुना। SP दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन में 2 मिनट का मौन रखकर दी गई राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के रूप में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखकर मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि, माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। हाईटेक हुई ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है ई चालान।
जिला महिला अस्पताल के 100 शैया मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में शुरू हुई अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया, अब 100 प्रसूताओं के प्रतिदिन होंगे अल्ट्रासाउंड। सरस्वती विद्या मंदिर पीजी कॉलेज में आर्गोनॉमिक्स विषय पर आयोजित हुई व्याख्यान माला, होम साइंस की छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अतिथियों ने किया अवलोकन। अपनी 22 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने दिया एक दिवसीय धरना। 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन, पुरस्कार पाकर विजेताओं के खिले चेहरे। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भी हुआ शुभारंभ, उद्घाटन मैच लक्ष्य एकेडमी ने जीता। अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐशप्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें। और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगांव, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं ना, बात करनी चाहिए बात। अमु बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूँ मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता की होता है, वो चाहता है।
समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था? अमु तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा? हाँ किससे बात कर रहे हो? अमू किसी से नहीं। ओ वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर पीजी कॉलेज में आर्गोनॉमिक्स विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें हस्तकला से निर्मित वस्तुएं शामिल रहीं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय गृह विज्ञान की अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह के अलावा कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर रीना त्रिपाठी, शिवाजी सिंह, डॉक्टर कनक मिश्रा सहित अन्य शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। इसके बाद गृह विज्ञान के छात्राओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का मुख्य अतिथि द्वारा फीता काट का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर कनक मिश्रा और गोरखपुर विश्वविद्यालय गृह विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह ने बताया। ये बना भी डाई किया कि डाई कर मैं डाई करके बनाया
कैसे ध्यान रखा सर, वेज वगैरह का काम काम कैसे ध्यान रखा? पूरे प्लेन कपड़ा मैम, जितनी मतलब एक कुर्ती तैयार हो जाए उतना कपड़ा लेके कल उसको टाई एंड टाई करिए, मैम उसको कोई ऐसा ध्यान नहीं रखा जैसे कि ये डिज़ाइन भी यहाँ आए ऐसे कुछ? ये कॉर्नर भी लिया गया था और ये बीच में मतलब पूरा बीच में और ये सारा कॉर्नर दोनों कॉर्नर जैसे कुर्ता का कपड़ा ये लाइन से ये बनाया गया है, ये वाइट कपड़ा है और इसको स्ट्रैप दिया गया है और ये क्वाइन आर्टिकल उसको भी हाथ से बनाया गया है, कलर टूची फोटो फ्रेम्स भी हाथ से बनाए गए हैं, पेंटिंग है वहाँ पे बहुत पेंटिंग, ये पैकिंग हाथ से बनाई गए हैं, बनाए वहाँ बना हुआ है चंद्र कांति नवती में हाल बना है, उस हाल में बहुत नया बहुत बड़ा ये टाई एंड टाई वहाँ बना हुआ है, ये बदलती है ये भी टाई एंड टाई बना, मैं पूरा वाइट प्लेन था और मतलब टॉटिंग लगा के टाई एंड टाई करती हूँ, हमेशा उसकी जरूरत होती है जब काम होता है चित्र में आई है ये ऊपर मतलब वो पैटर्न है पारिक सॉस की बॉटल ग्लास, उस पे पहले पेंटिंग की है अंदर से पेंट डाल के, पेंट को पहले फैब्रिक पेंट को घोल लिया अंदर फैब्रिक कोल लगा के पेंट में अंदर इसके डाल के पूरा से राउंड राउंड पेंट अंदर पूरा छिड़क ये प्रसाद प्रसाद का माध्यम है और इसमें किसी भी गांव में जाकर कोई भी कहानी को या कोई भी उद्देश्य को प्रसाद स्लोगन है क्या उसमें क्या कुछ इसमें स्लोगन लिखा हुआ है स्टोरी है सब भी सब चीज सब हाथ से बनाया गया यहाँ पे कॉलेज में सिखाया जाता है, हम लोग सब लोग साथ में मैडम कैंची लगा देती है रेडीमेड आइटम पे, पहले नॉटिंग किया है धागे से मतलब जो जो डिजाइन क्रिएट करनी थी क्रश है, पहले जैसे ये स्पाइडर है ये चने की दाल का है और ये क्रश है, उसके बाद नॉटिंग करने के बाद उसको पानी गर्म किए हैं भगवाने में, उसमें कलर डाले हैं डाई एंड डाई, कलर डालने के बाद फिर इसको उस कपड़े पानी में डिप कर दिए हैं, उसके बाद निकाल के फिर आधे घंटे के लिए उसमें छोड़ दिए हैं, फिर उसमें से निकालने के बाद ठंडे पानी में फिक्सर डाल के फिर इस कपड़े को उसमें डिप किए हैं और इसका कलर छूटेगा नहीं, फिक्सर डालने के बाद कलर छूटेगा नहीं, जब फिक्स हो जाता है फिर उसके बाद इसको निकाल दिए, फिर जब ये सूख गया है उसके बाद इसको फैला दिए हैं, कितना समय लगता है टोटल टोटल 45 मिनट्स एक बार में कितना बनाती है कितना बन? एक बार में हम लोग ये एक दुपट्टा बनाए थे और एक बनाए थे बस एक बार में दो बनाए थे, मेन प्रोसेस इसका नॉटिंग का है, नॉटिंग हो गई है अगर आपको यहाँ पे दूसरा कलर लगाना है तो फिर इस नॉटिंग को छोड़ के उसके नीचे दूसरी नॉटिंग कर देंगे तो यहाँ पे दूसरे कलर का इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये रेड नहीं आएगा, कितना कास्ट पड़ता है इसमें बनाने में, मतलब दुपट्टा आपका अगर 90 का है तो फिर कलर वाला लेके 150 में एक तैयार हो जाएगा, सेल कितना में होगा मार्केट में? अगर मार्केट में इसका सेल खरीदे जाएंगे तो 200 के बेचेंगे, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली हैंड प्रिंटिंग है, हैंड प्रिंटिंग की ज्यादा होती है। कार्यक्रम आज गृह विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का है और आज यहाँ पर एर्गोनॉमिक्स विषय पर एक व्याख्यान भी आयोजित किया गया है जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय से विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिवारानी सिंह आई हैं और आज प्रदर्शनी में बच्चों ने हैंडमेड प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगाई है जिसमें तरह तरह की कालीन रक्स और कर्टेन कुशन कवर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपना स्किल दिखा रहे हैं, जो भी स्किल डेवलपमेंट उनका कराया गया है कि कैसे किसी चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस बताई गई, धन्यवाद। गृह विज्ञान विभाग में जो बच्चों ने अपनी प्रायोगिक कला का प्रदर्शन किया है स्पेशली जो क्योंकि यहाँ पे बीएससी होम साइंस का डिग्री प्रोग्राम चलता है तो तीनों ही कक्षाओं के बच्चों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ने बहुत ही अच्छे से और इतनी काम की चीज़ें और अपने स्किल को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने बहुत ही उपयोगी वस्तुएं बनाई हैं और साथ ही उन्होंने जो टेक्निक्स जो लुप्त होती जा रही टेक्निक्स है उनको वापस से पुनर्जीवित करने की कोशिश की है जिससे हम उसके माध्यम से जो हमारा हस्तशिल्प है उसको और सुदृढ़ कर सके, जैसे आपने और इन्होंने कुछ और ऐसी चीज़ें जैसे कुछ प्रयोग ऐसे किए हैं बोरे से इन्होंने चटाई बनाई है, डोरमैट्स बनाए हैं, कुछ झोले भी बनाए हैं, इसके अलावा इन्होंने प्रिंटिंग का वो करके बेडशीट को बहुत खूबसूरती से सजाया है, बहुत सारी कठपुतलियों को बनाया है जिसके माध्यम से हम समाज को बहुत सारे छोटे बड़े जो संदेश हैं वो भी दे सकते हैं, तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया है और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी
बधाई के पात्र हैं कि बच्चों की जो भी ये प्रतिभा है उसको इन्होंने उभार करके इस तरह से प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर कर्मचारियों ने माध्यमिक शिक्षा के सप्तम कार्यालय पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी 22 सूत्रीय मांगों की पूर्ति न करने एवं शासन के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों की पदोन्नति सूची प्रकाशित न करने को लेकर आगामी 6 फरवरी को विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। धरने में सुनील कुमार मिश्रा, गजेंद्र राव, राजीव गुप्ता, सुनील श्रीवास्तव, सुभाष यादव, प्रमोद कुमार सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एजुकेशनल मिनिस्ट्रल ऑफिसर एसोसिएशन के मंडलीय सचिव राम नारायण पति त्रिपाठी ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जिंदाबाद सारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जिंदाबाद यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जिंदाबाद यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। राम नारायण पति त्रिपाठी, मंडलीय सचिव, यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन। हमारी 22 सूत्री मांग पत्र है जो मई 2018 से ये आंदोलन चल रहा है। हमेशा शिक्षा निदेशक जो भी विभागीय अधिकारी हैं आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं, केवल काली थोथोपा जो है दे रहे हैं आश्वासन, ये अब कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को एक दिवसीय धरना था जनपद स्तर का, वो भी ज्ञापन गया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। मंडल स्तर का है एक दिवसीय, आज 30/1/2019 को, 6/2/2019 को प्रांत स्तर का एक दिवसीय धरना है जो इलाहाबाद में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के समक्ष कार्यालय के समक्ष, उसमें भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वहीं भावी रणनीति जो आंदोलन की रणनीति होगी वो घोषणा की जाएगी और आंदोलन विकराल रूप लेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। खुली खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत बालक वर्ग के कबड्डी का फाइनल मैच सरदारनगर और चरगावा के बीच खेला गया, जिसमें सरदारनगर ने 53-30 के अंतर से मुकाबले को जीतकर विजेता बनी। बालक वर्ग के वॉलीबॉल का फाइनल मैच कोराबार और पिपराइज के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले में पिपराइज ने 25-23, 23-25, 23-25 के अंतर से जीतकर विजेता बनी। दोनों खेलों के फाइनल मुकाबले में जिला युवा कल्याण अधिकारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। विजयी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी बब्बन उपाध्याय ने प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कृष्ण मनोहर गौड़, कार्यक्रम प्रभारी रणजीत शाही, राकेश चंद्र शुक्ला सहित प्रतिभागी खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी बब्बन उपाध्याय ने कहा, वो सीधा होते चले जाएंगे ना। शुरू कराइए ना, ¡Gracias!
देखिए जनपद स्तरीय दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता थे बालक और बालिकाओं का, जिसमें विशेष रूप से एथलेटिक्स वॉलीबॉल और कबड्डी का प्रतियोगिता था। इसमें हमारे 19 ब्लॉकों के बच्चे भाग लिए थे और उसमें जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस, सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जो बच्चे उसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा स्थान लाए थे उन बच्चों का आज पुरस्कार वितरण किया गया, उनका हौसला अफजाई किया गया और हम लोगों ने आज उसी का एक कार्यक्रम किया तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और पुरस्कार वितरण के बाद एक कार्यक्रम समापन किया गया है। सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, किंतु जो बच्चे बहुत अच्छे किए उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। उद्घाटन में लक्ष्य एकेडमी और मोदी क्लब के बीच खेला गया, जिसमें लक्ष्य एकेडमी ने मोदी क्लब को 40-36 के करीब अंतर से हराया। इसी प्रतियोगिता के अंतर्गत सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे फुटबॉल का एक मैच सेंट जूड्स स्कूल और एनएस एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें एनएस एकेडमी ने सेंट जूड्स स्कूल को 1-0 के अंतर से मात दिया। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं गोरखपुर। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने एक को दिन दहाड़े दौड़ाकर गोलियों से भुना। एसपी दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन में 2 मिनट का मौन रखकर दी गई राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि।
शहीद दिवस के रूप में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखकर मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि, माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। हाईटेक हुई ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है ई चालान। जिला महिला अस्पताल के 100 शैया मात एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में शुरू हुई अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया, अब 100 प्रसूताओं के प्रतिदिन होंगे अल्ट्रासाउंड। सरस्वती विद्या मंदिर पीजी कॉलेज में आर्गोनॉमिक्स विषय पर आयोजित हुई व्याख्यान माला, होम साइंस की छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अतिथियों ने किया अवलोकन। अपनी 22 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने दिया एक दिवसीय धरना। दो दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन, पुरस्कार पाकर विजेताओं के खिले चेहरे। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भी हुआ शुभारंभ, उद्घाटन मैच लक्ष्य एकेडमी ने जीता। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।